नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत लाइव। मैं हूं आपके साथ कंचन। बिहार की राजनीति में रोज एक नए मुद्दे उभर कर सामने आते हैं। आपको बता दें कि कल ही हमने आपको अपने चैनल के माध्यम से बताया था कि जमुई में जो मेडिकल कॉलेज का शिलान्यास हुआ, उसमें चिराग पासवान ने साफ साफ कहा कि जो बिहार के जो सीएम हैं, बिहार के मंत्री हैं, वो सारा क्रेडिट खुद लेते हैं, केंद्र का नाम तक भी नहीं आता है। उन्होंने कहा कि पोस्टर में चाहे जो शिलान्यास हो रहा था मेडिकल कॉलेज में, जमुई का जो मेडिकल कॉलेज का कल शिलान्यास हुआ, उसमें एक भी जगह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम नहीं आया। केंद्र के मंत्रियों को यहां बुलाया भी नहीं गया, उन्हें आमंत्रित भी नहीं किया गया। चिराग यही नहीं रुके, चिराग ने यह भी कहा कि जमुई के लोगों से आखिर सीएम को क्या बैर है कि शिलान्यास के लिए वो यहां तक पहुंच भी नहीं सके। हालांकि एक राजनीति है जिसमें कि चिराग पासवान सीएम के बारे में बोल रहे हैं, लेकिन हम आपको बता दें कि चिराग ने यह भी कहा कि जो मुख्यमंत्री हैं उन्हें यहां आना चाहिए था, उन्हें एक बार तो पीएम नरेंद्र मोदी का नाम लेना ही चाहिए था, क्योंकि केंद्र का ये जो भी मेडिकल कॉलेज का शिलान्यास होगा, मेडिकल कॉलेज बनेगा, इसमें केंद्र की भी सहभागिता है, लेकिन जो सीएम है बिहार के, वो केंद्र का सहभागिता कभी दिखाते ही नहीं है, हमेशा खुद ही क्रेडिट ले लेते हैं। उसके बाद अब सुमित कुमार सिंह, जो विज्ञान प्रौद्योगिकी मंत्री हैं सुमित कुमार सिंह, उन्होंने भी अपना एक बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि जो चिराग पासवान है फोटो खिंचवा मंत्री है। अब आप सोच रहे होंगे कि उन्होंने ऐसा क्यों कहा। आपको बता दें कि कल जमुई में जो मेडिकल कॉलेज का शिलान्यास किया गया, उसमें चिराग पासवान पहुंचे, रिबन उन्होंने काटा, उसके बाद कुछ देर ही वो वहां रुके, उसके बाद निकल गए। तो उसी को लेकर मंत्री का कहना है कि आखिर उन्हें जमुई की जनता से इतना प्यार ही है, तो वो वहां पे उस आयोजन में क्यों नहीं रुके, आखिर वो अपनी फोटो खिंचवा के वहां से क्यों चल दिए। अब सुमित कुमार सिंह का कहना है कि जो चिराग पासवान आए दिन पीएम नरेंद्र मोदी के बारे में बोलते रहते थे, आखिर ये बदल कैसे गया, ये उल्टा कैसे हो गया, वो अब पीएम नरेंद्र मोदी के सपोर्ट में कैसे बोल रहे हैं। अब आप देख ही सकते हैं कि सीएम नीतीश कुमार हर तरफ से घिर जाते हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री हैं, लोग उन्हीं से सवाल करेंगे, उन्हीं को बोलेंगे। अब देखना होगा कि बिहार में जो भी भूचाल आता है, जो भी मुद्दा उठता है, अब तो सीएम नीतीश कुमार जवाब देते दिख रहे हैं, लेकिन अब वो चिराग पासवान को क्या जवाब देते हैं, क्योंकि आप देख रहे होंगे कुछ दिनों से सीएम नीतीश कुमार हर सवालों का जवाब दे रहे हैं, अब चिराग पासवान को उनका क्या जवाब जाता है। बहरहाल, खबरों में बने रहने के लिए देखते रहें भारत लाइव। हटिया में कल सूचना मिली थी कि हमारे ही एक अफसर है और जिन पे शराब पीने का आरोप लगा था, तो रात में डीएसपी साहब ने वहाँ जाकर और खुद से सारी छानबीन की और जो भी हमारे पास इंस्ट्रूमेंट है उनके इस्तेमाल करके और शराब पीने की पुष्टि हुई, उसमें हम लोगों ने FIR दर्ज की है, उसमें अगर कार्रवाई की जाए। अगर वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी, तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुवा मुफ्त में मिल जाई। अगर रुवा पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी, तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली, 9386816700। धन्यवाद।